फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। और मैं इसकी पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने हमने पार्ट वन और पार्ट टू करा है। और इस वीडियो में हम इसका पार्ट करेंगे थ्री। और इसका पार्ट थ्री है यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक। तो अगर आपको जानना है कि पहले क्या हुआ था, और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। तो बिना किसी टाइम खराब करे शुरू करते हैं हमारा चैप्टर का पार्ट थ्री। रामू एंड आई सेट ऑन आर फेवरेट बफेलो एंड वॉच्ड अ पेयर ऑफ सारस क्रेन्स। रामू एंड आई यानी कि रामू और मैं सेट ऑन आर फेवरेट बफेलो अपनी फेवरेट यानी कि अपनी पसंदीदा भैंस पर बैठे एंड वॉच्ड अ पेयर ऑफ सारस और एक सारस की जोड़ी को देखने लगे। सारस क्रेन यानी कि सारस और क्रेन के जोड़ी को देखने लगे। प्रेंचिंग एंड क्रिपरिंग अराउंड ईच अदर। टॉल स्टॉर्क लाइक बर्ड्स एंड नेक्ड रेड हेड्स एंड लॉन्ग रेड लेग्स यानी कि लंबी स्टॉर्क लाइक बर्ड्स विद नेक्ड रेड हेड यानी कि नंगे लाल रंग के सिर एंड लॉन्ग रेड लेग्स और लंबी लाल रंग की टांगे। दे आर वेरी डिवोटेड कंपेंसन्स एंड इट इज सेड दैट इफ सारस स्किल इट्स मेट विल हंट द सेंस ऑफ वीक कॉलिंग सैडली एंड समटाइम्स पेंटिंग अवे एंड डाइंग ऑफ ग्रीफ। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई सारस की जोड़ी में से एक सारस मर जाता है तो जो दूसरा सारस होता है वो उदास हो जाता है और कई कई हफ्तों तक उसी जगह पे बैठा रहता है या फिर उसी जगह के पास घूमता रहता है जहाँ पे वो मरा था। और कभी कभार तो वो दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि वो मर भी जाते हैं। उनका दूसरा साथी भी मर जाता है कि अगर पहला मरा तो दूसरा मरता है, अगर दूसरा मरा तो पहला भी मर जाता है। एंड सम माने दे आर हेल्ड इन ग्रेट अफेक्शन बाय विलेज पीपल एंड When caught young make excellent pets. Though the grandfather did not keep Sarus Crane, he said they were as a good a watchdogs. ग्रैंडफादर डिड नॉट कीप ए सारस क्रेन यानी दादाजी कभी एक सारस क्रेन को नहीं रखते थे। ही सेड दे वर एज ए वॉचफुल डॉग्स यानी कि वे ऐसे होते थे जैसे कोई वॉच डॉग्स होते हैं यानी कि कोई कुत्ते होते हैं वो देखने वाले। गिविंग लाउड ट्रम्पेट लाइक कॉल्स व्हेन दे वर डिस्टर्ब और बहुत तेज से चिल्लाते थे आवाज़ देते थे जब वो डिस्टर्ब हो जाते थे। मैनी बर्ड्स आर स्केयर्ड बहुत सारी चिड़ियाँ डर जाती थी। सेड रामू एज ए ब्लू गे स्वूप डाउन फ्रॉम द पीपल टू कैरी एंड कैरी ऑफ ए ग्रास हॉपर। He told me that both the blue gay and Lord Shiva were called Nikant. यानी कि he told me उसने मुझे बताया कि blue gay यानी कि कोई नील बहुत यानी कि दोनों the blue gay and the Lord Shiva जो कोई भी नीली रंग की चिड़िया होती है और जो भगवान शिवा होते हैं ना शिव भगवान वो were called Niknath यानी कि उनको Niknath कहते थे। Shiva टू हेड ए ब्लू थ्रॉट शिवा का भी टेटवा यानी कि गले के अंदर जो गोल गोल बॉल सी होती है उसे थ्रॉट कहते हैं यानी कि टेटवा भी कहते हैं हिंदी में। वो भी ब्लू था हम हिंदी में उसे कंठ भी कहते हैं कंठ। लाइक द बर्ड जैसे इस बर्ड का है बिकॉज आउट ऑफ कंपैशन फॉर द ह्यूमन रेस ही हैड स्वेलोड ए डेडली पॉइजन मीट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ही जहरीले पॉइजन मीट यानी कि मीट को निगला था मीट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड जो कि हमारे वर्ल्ड को यानी कि दुनिया को तबाह कर सकता था। कीपिंग द पॉइजन इन हिज थ्रोट उस जहर को अपने कंठ में रखते हुए ही डिड नॉट लेट इट गो डाउन एनी फार्दर और उसने उनको नीचे ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया। आर स्क्वायर्स स्केयर्ड आई आज क्या गिलहरियाँ डर चुकी हैं मैंने पूछा
यानी कि आई आस्क्ड, लॉर्ड कृष्णा लव्ड स्क्वेरल्स, जो लॉर्ड कृष्णा थे यानी कि कृष्णा भगवान, वो गिलहरियों को बहुत पसंद करते थे, सेड रामू, रामू ने कहा, ही वुड टेक देम इन हिज आर्म्स एंड स्ट्रोक देम विद हिज फिंगर्स, दैट दैट इज वाई दे हैव फोर डार्क लाइन्स डाउन देयर बैक्स फ्रॉम हेड टू टेल, तभी उनके गिलहरियों की पीठ पर चार डार्क यानी कि चार लाइन होती थी, पीछे पीठ पर चार लाइन होती है जो कि उनके सिर से लेके पूंछ तक होते हैं। कृष्णा वॉज वेरी डार्क, जो कृष्णा थे वो भी बहुत काले थे, एंड द लाइन्स आर द मार्क्स ऑफ द हिज फिंगर्स, और जो उसकी वो उनके ऊपर लाइन्स होती हैं वो कृष्णा के हाथ के होती हैं। इट सीम्ड दैट बोथ रामू एंड ग्रैंडफादर वर ऑफ ऑप्शनल दैट वी वुड बी मोर जेंटल विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड नॉट किल सो मैनी ऑफ देम, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट देम, ये भी ज़रूरी है कि हम उसको उनकी इज्जत करें, सेट द ग्रैंड फादर, उसके दादाजी ने कहा, वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑफ ऑन द अर्थ, यानी कि हमें भी उनकी उनकी जो जानकारी है उसे भी धरती पे, यानी कि उन वी मस्ट एक्नॉलेज देयर राइट्स ऑन द अर्थ, हमें उनकी भी अच्छाइयाँ अर्थ पे यानी कि धरती पे कॉपी करनी चाहिए, यानी कि उनकी अच्छाइयाँ भी नकल करनी चाहिए धरती पर, एवरीवेयर हर जगह। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाइंडिंग इन मोर डिफिकल्ट टू लिव बिकॉज, यानी कि जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो मिलने और मुश्किल हो गए हैं क्योंकि वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर फॉरेस्ट, क्योंकि हम उनके जंगल ख़राब कर रहे हैं। दे हैव टू कीप मूविंग एज द ट्रीज डिसअपीयर, उनको बार बार इधर से उधर जाना पड़ता है जैसे जैसे पेड़ डिसअपीयर यानी गायब होते जाते हैं। रामू एंड आई स्पेंट मैनी लॉन्ग समर्स आफ्टरनून्स एट द पॉन्ड, रामू और मैंने कई सारी यानी कई सारी गर्मियों की आफ्टरनून पॉन्ड पे बिता दी। ओनली द बफेलोज एंड फ्रॉग्स एंड द सारस क्रेन्स न्यू ऑफ आर फ्रेंडशिप, दे हैड एक्सेप्ट अस एज ए पार्ट ऑफ देयर ओन वर्ल्ड, उन्होंने हमें ऐसे मान लिया था जैसे हम उनकी दुनिया के हिस्से हैं। देयर मडी बट कम्फर्टेबल पॉन्ड, वो भले ही कीचड़ का था लेकिन बहुत कम्फर्टेबल पॉन्ड था, तालाब था वो। एंड वेन फाइनली आई वेंट अवे बोथ दे एंड रामू मस्ट हैव अस्यूम्ड दैट आई वुड रिटर्न लाइक द बर्ड्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।